हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन शैडो। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट 49 चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 49 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रॉब्लम सेट 49 का, देखो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। तो ये कुछ सेट्स ऑफ नंबर दिए है, तो हमेशा याद रखना है जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम करते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में क्या होता है कि जो बिगर नंबर होता है हमारा, वो इन दोनों को प्लस करके आना चाहिए। तो सब हम पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, राइट एंगल होता है, आपको मैंने बताया था, ये दोनों का सम क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूस साइड होता है, बराबर। इन दोनों को प्लस करके हमें हाइपोटेन्यूस साइड मिलती है। तो वैसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में स्टूडेंट्स ये देखना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इनका स्क्वायर निकालेंगे तीनों का। तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25, बराबर। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप इसमें, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 4 को, जो स्मॉल साइड होते हैं उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें बिगर साइड मिलेगी। ओके, हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमें बिगर साइड मिलेंगे। तो हम देयरफॉर 9 प्लस 16 इक्वल्स टू क्या आता है, 9 4 16, हम दोनों को प्लस करते तो हमें क्या मिल जाएगा, 25। 9 प्लस 16 होता है 25। मीन्स इसका मतलब है कि ये जो सेट्स दिए हैं हमें वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो कैसे दिखाएंगे हम, देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो आंसर लिखेंगे हम, आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे 3, 4 and 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये क्या है हमारे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम आपको समझ में आ गया, ये सेट्स दिए हैं, इन सेट्स को हमें बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं है। तो ये वाला जो सेट दिया है हमें 3 4 and 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। नाउ नेक्स्ट सम, नाउ स्टूडेंट्स सम नंबर 2, सेकेंड सम क्या है हमारा स्टूडेंट्स, सेकेंड सम क्या है हमारा 2 4 5 2 4 5 है। फर्स्ट सम में 3 4 5 था, सेकेंड में हमें प्रॉब्लम सेट 49 में 2 4 5 है। तो इसका भी हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट भी हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे, तो देयरफॉर 4 प्लस 16 क्या हो जाता है, 20। नाउ स्टूडेंट्स अभी देखो 4 प्लस 16 क्या हो गया हमारा, 20 हो गया। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है, क्या आता है 20। तो देयरफॉर हम क्या बताएंगे, 4 प्लस 16 इज नॉट इक्वल्स टू 25, वो 25 को इक्वल नहीं करता है। तो हम बाद में कैसे लिखेंगे, स्टेप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये हमारा नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर है, तो देयरफॉर 2 4 and 5 is not a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है हमारा ना, क्योंकि प्लस करने के बाद हमें क्या आना चाहिए था, बिगर नंबर का आना चाहिए था 25 स्क्वायर, पर हमें क्या आया 4 प्लस 16 20। तो ये वाला सम में हमारा ये पाइथागोरियस ट्रिपलेट्स नहीं है। तो नाउ चिल्ड्रंस थर्ड सम 4 5 6, ये दिया है हमें सेट्स ऑफ नंबर। तो वैसे ही हमें सॉल्व करना है, 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 4 4 16, देन 5 स्क्वायर 5 5 25, देन 6 स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। नाउ देयरफॉर हमें इन दोनों को प्लस करके देखना है कि 36 आता है। तो हम 16 प्लस 25 करेंगे तो हमें 36 आता है क्या, तो कितना आ जाएगा हमें, 6 प्लस 5 11 11 1 कैरी ऑफ 41, हमें इसका क्या आ जाएगा 41। नाउ
ये वापस से ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 36 आना चाहिए था पर हमें आ गया 41, तो देयरफॉर 4 square plus 5 square equals to is not equals to 6 square. तो आंसर लिखेंगे हम, आंसर में हम क्या लिखेंगे, 4, 5 and 6 is not a Pythagorean triplet. ओके स्टूडेंट्स, सम नंबर आपको समझ में आ गया, सम नंबर थर्ड क्या है हमारा, कि ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नाउ नेक्स्ट सम नंबर फोर, 2, 6, 7 फोर्थ सम है, सेट्स ऑफ नंबर क्या दिए है, 2, 6 and 7. नाउ वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर है 49. देन नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 4 प्लस 36 हमें मिलता है 40. वंस अगेन चिल्ड्रन, 2, 6 एंड 7 इज ऑल्सो नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इज नॉट इक्वल टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है. हाँ, तो हम कैसे दिखाएंगे इसे, कि 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर. तो आंसर है हमारा यहाँ पर देयरफॉर आ जाएगा, 2, 6 एंड 7 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ओके स्टूडेंट्स, is not equal to Pythagorean triplets. Next sum. Now students, sum number 5 में हमें क्या sets दिया है, sum number 5 में हमें set दिया है 9, 40, 41. तो हमें first step क्या है हमारा, हमें इन्हें इनका square निकालना है, हमें क्या करना है, इनका square निकालना है. तो सबसे first हम क्या करेंगे, 9 square का square हो जाता है 81. 40 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 40 का स्क्वायर हो जाता है 1600, मीन्स 1600. और 41 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 41 का स्क्वायर हो जाता है 1681. नेक्स्ट, नाउ हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 81 प्लस 1600, तो 1600 प्लस 81 करेंगे तो 1681, मीन्स इज इक्वल टू 1681, मीन्स ये हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है. तो दिस इज आवर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. फिर हमें दिखाना है 9 square plus 40 square equal to 41 square. दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो नाउ 9, 40 and 41 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके स्टूडेंट्स, सम नंबर 5. नाउ नेक्स्ट सम, सिक्स सम में सेट्स ऑफ नंबर क्या दिया है, 4, 7 and 8. नाउ फर्स्ट स्टेप, स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64. ओके, देन हमें दिस टू नंबर्स को प्लस करना है, स्मॉलर नंबर को प्लस करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 प्लस 49 हमें क्या मिल जाएगा, तो 16 प्लस 49 हो जाता है 65. तो ये क्या है वापस हमारा, 16 प्लस 49 क्या है, इज नॉट इक्वल टू 64. 4 square plus 7 square इज नॉट इक्वल टू 8 square. तो हमारा आंसर क्या है, 4, 7 and 8 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये हो गया हमारा सिक्स सम. तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है. हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 6 सम्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं और सॉल्व भी करके दिए. क्वेश्चन नंबर 2, द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्राइंगल.
ना क्वेश्चन नंबर टू में भी थ्री सेट्स ऑफ नंबर दिए हैं। इसमें हमें बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है क्या। फर्स्ट वाले में हमने बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है क्या, सेम वही मेथड है, कुछ अलग नहीं है मेथड, सिर्फ इसमें हमें लिखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें ना जो ग्रेटर नंबर होता है ना उसका स्क्वायर निकालना है और वो देखना है कि ये दोनों जो नंबर्स दिए हैं वो उसके इक्वल है क्या। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर का कितना आ जाएगा 64, 8 8 64। 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 225 एंड 17 स्क्वायर का कितना आता है 289 आता है। ओके 17 स्क्वायर का 289। नाउ हमें क्या देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 17 स्क्वायर। तो हमें देखना है कि इन दोनों को प्लस करके 289 आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 64 प्लस 225 प्लस करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमें देखना है कि हमें आता है 4 प्लस 5 9 9 6 8 2, 289 आता है। तो इट्स इक्वल टू 289 इज इक्वल टू 289 मीन्स इसका मतलब क्या है कि हाँ ये सम हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सम हमारा क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, फिर हम आंसर में लिखेंगे 8 15 17 तो हम इसे कैसे लिखेंगे 8 प्लस 15 इक्वल्स टू 17। ओके देयरफॉर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। तो हम आंसर में लिखेंगे द साइड्स, क्योंकि हमें क्या पूछा है फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें लिखना है द साइड्स ऑफ लेंथ 8 15 एंड 17 विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो क्या होएगा, वो फॉर्म करेगा अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें आंसर में ऐसे लिखना है कि वो फॉर्म करता है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, जो फर्स्ट सम है वैसे ही ये सम का मेथड है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जैसे, बस हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि साइड्स ऑफ द लेंथ ऑफ ये जो नंबर दिया 8 15 एंड 17 विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट सम स्टूडेंट, नाउ सेकेंड सम हमें क्या दिया है 11 12 एंड 15। नाउ हम लोग फर्स्ट सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 15 का स्क्वायर होता है 225। देयरफॉर 121 प्लस 144 इक्वल्स टू 225 है क्या, हमने देखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो 120 हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें प्लस करके देखते हैं। तो 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6 और 2, तो 265, तो सॉरी 265 इज नॉट इक्वल टू 225। देयरफॉर 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 15 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इज नॉट इक्वल टू 16 स्क्वायर। तो हमें क्या लिखना है आंसर में, आंसर में हमें लिखना है द साइड्स ऑफ लेंथ 11 12 एंड 15 विल नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर्म हो रहा है कि नहीं हमें पूछा है ना, आउट विच वन आर राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है कि नहीं, तो विल नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारा सम नंबर सेकेंड, ये हमारा है सम नंबर टू। ओके स्टूडेंट समझ में, थर्ड सम में क्या दिया है हमें 11 60 61 दिया। तो हम फर्स्ट इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 60 का स्क्वायर होता है 3600 एंड 61 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 61 का स्क्वायर होता है 3721। नाउ हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर को प्लस करेंगे। देयरफॉर 121 प्लस 3600 इक्वल्स टू कितना आएगा, तो हमें आ जाएगा 3721। इट मींस दोनों भी 3721 इज इक्वल टू 3721। मींस इसका मतलब क्या है कि ये जो
सेट दिया है, ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इक्वल टू 61 स्क्वायर, तो आंसर लिखेंगे द साइज ऑफ लेंथ 11, 60 एंड 61 विल फॉर्म अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये क्या हो रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये था हमारा थर्ड सम। फोर्थ सम में क्या दिया है, ये डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ है नंबर, तो 1.5, 1.6 एंड 1.7 दिया है, तो इसके भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, क्योंकि 15 इंटू 15 हम करते स्टूडेंट्स, तो हमें क्या आता है 225 आता है, तो हमें क्या दो डेसिमल है, तो हम दो डेसिमल के बाद डालते, समझ में आया, तो हम दो डेसिमल के बाद डालते। तो नेक्स्ट 1.6 का स्क्वायर क्या है, 1.6 का स्क्वायर है 2.56, 1.7 का स्क्वायर है 2.89। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, प्लस करना इन दोनों को, तो 2.25 प्लस 2.56 इक्वल्स टू कितना, तो हमें इसे कैसे प्लस करना है, डेसिमल वाला है तो मैं एक प्लस करके दिखाती हूँ, हमें मैं आपको कैसे प्लस करना है, तो 5 प्लस 6 11, 1 कैरी ऑफ 8.4, तो हमें आंसर में क्या आ गया 4.81 आया, आंसर में क्या आया हमें 4.81, तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पर 4.81, तो 4.81 इज नॉट इक्वल टू 2.89, देयरफॉर 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1.7 स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट्स नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, देन तो हमें आंसर लिखना है द साइज ऑफ लेंथ, साइड ऑफ लेंथ 1.5, 1.6 एंड 1.7 विल नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, ये फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट सम नंबर फाइव में क्या दिया है हमें, नंबर्स 14, 20 और 30। फिफ्थ सम का हमने क्या निकाला, 40 का स्क्वायर निकाला तो 1600 आया, 20 का स्क्वायर निकाला तो हमें 400 आया, और 30 का स्क्वायर निकाला तो 900। तो हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, बिगर नंबर को हाइपोटेन्यूस साइड में लेते हैं, तो हम इक्वल टू के बाद लेंगे, तो हम इसमें ये दो नंबर फर्स्ट प्लस करेंगे, इसके पहले वाले सम में हम स्टार्टिंग के दो नंबर प्लस करते थे क्योंकि वो स्मॉलर थे, तो हमें ऑलवेज क्या याद रखना है कि स्मॉलर नंबर हमें प्लस करना है, तो देयरफॉर 400 प्लस 900 कितना हो जाता है, 400 प्लस 900 1300 हो जाता है, तो ये क्या हो गया 1300, तो 1300 इज नॉट इक्वल टू 1600, तो देयरफॉर 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 40 स्क्वायर, तो हमें आंसर में लिखना है द साइड्स ऑफ लेंथ, क्या क्या है लेंथ 40, 20 एंड 30 विल नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम सेट 49 पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दिया है और सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिस तो आपको मेरे नए नए वीडियोस आते रहेंगे, और प्लीज सब्सक्राइब स्टूडेंट्स प्लीज।